इसमें मैंने ट्रे में खंगर रखा था जो करीब 20 साल पुराना है, 15-20 साल पुराना है। वो खंगर धीरे धीरे कैक्टस के ग्रोथ के कारण टूटता गया और उसके अंदर प्लांट्स ने अपनी जगह बना ली। अब खंगर या पत्थर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे समय समय पर इसमें ट्रेज और डालनी पड़ी। और ट्रेज वही होती हैं जो घर में पुरानी बच जाती हैं, फेंकते हैं हम, लेकिन मैंने फेंकी नहीं है। और इसके अंदर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसको कि इसके अंदर रखी हुई हैं। वो उसको भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो मैंने इसमें ये जो गिफ्ट हैम्पर का बास्केट थी वो इसके नीचे डाल दी है। और ये मेरा कैक्टस का थाल है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कैक्टस की। आप काउंट करेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत तरह के कैक्टस दिखाई देंगे। ये इसके छोटे छोटे ऊपर फ्लोरेट्स से हैं, यही इसके सीड्स हैं। पत्तों के ऊपर से मल्टीप्लाई होता है ये पत्तों से। ये कैक्टस जो है डेजर्ट प्लांट है, ना इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना इसे कोई केयर की ज़रूरत है और ये बड़े आराम से यहाँ पर फैलता है। ये पुराना ड्रम है, इसमें से कटवा के मेरे दो प्लांटर्स बने हैं छत पर, क्योंकि शौक ज़्यादा है और जगह की कमी। ये प्लांट, ये ट्री बनता है, पूरा फुल फ्लेज ट्री है, मोरिंगा, जिसको सहजना, लोकल भाषा में हम सहजना भी बोलते हैं, और हर गार्डन में, हर घर में ज़रूर होना चाहिए। बस इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसका कंटेनर बड़ा हो। इसके ऊपर सर्दियों में फूल खिलते हैं जो उस फूल की सब्ज़ी बनती है। इसके ऊपर फलियां बनती हैं जैसे हम सांभर में डालते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं, ये वो प्लांट है। और ये इजीली प्रोपेगेट होता है, इसके सीड्स भी होते हैं, सीड्स के से भी बन जाता है। और ये कटिंग भी, इसकी बारिश के मौसम में इसकी कटिंग्स अगर लगा देते हैं तो कटिंग से भी प्लांट बन जाता है। तो इससे मुझे एक बेनिफिशियल प्लांट भी मिल गया और मेरा ड्रम भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पेंट की बाल्टी है जिसमें मैंने तुलसी और गिलो लगा रखी है। और गिलो की जो बेल है, आपको सबको मालूम ही है कि गिलो बुखार में और इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बुखार में इस्तेमाल होता है, डेंगू मलेरिया। तो बहुत लोग इसी को ढूंढने के लिए मेरे घर आते हैं कि गिलो कहीं लगी हुई है। ये लगाई हुई है, इस समय थोड़ी छोटी काट दी गई है सफाई के लिए, वरना ये पूरी इधर फैल जाती है। और गर्मियों में ये प्लांट को और प्लांट्स जो मेरे इधर किचन गार्डन है उसमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ग्रीनरी इफेक्ट भी देता है, और सबके लिए, मेरे लिए और मेरे पास पड़ोसियों वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और नीचे तुलसी है जिसकी कि चाय बनती रहती है तुलसी की। ये जो बाल्टी रखी है ये 40 साल पुरानी है और इसके अंदर प्लांट्स लगा देते हैं हम। और इसकी इमोशनल वैल्यू है, पेरेंट्स की बाल्टी है तो हम इसको फेंकते भी नहीं, इसको रखा हुआ है। और ये इतनी पुरानी सी प्रिजर्व्ड सिर्फ इसीलिए है कि इसको पेंट होता रहता है और जहाँ छेद हो गए हैं, नीचे नहीं छेद हुआ है, साइड्स में से पानी निकल जाता है अपने आप, जो एक्स्ट्रा पानी होता है अपने आप निकल जाता है। ये कार की बैटरी है जो कम से कम 15-20 साल पुरानी है। इसमें ये प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं, फूलों के प्लांट्स भी हैं। ये भी एवरग्रीन रहता है, नीचे से दिखाई देता है खूबसूरत। इसको हम पेंट करा लेते हैं और इसके अंदर मैंने होल्स भी कर दिए हैं क्योंकि बारिश के मौसम में ये पूरे पानी से भर जाता है तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इसमें होल्स किए गए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसमें भी पोर्टुला का कुछ सीजनल प्लांट्स डाल देते हैं या एवरग्रीन प्लांट्स डाल देते हैं तो इसकी खूबसूरती बनी रहती है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि 15-20 साल में भी इसको कुछ नहीं हुआ। इसको शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन फिक्स्ड बहुत समय से यहीं पर रखा हुआ है। भारी है इसलिए उठाना रखना इसको बड़ा मुश्किल है और ना टूटता है। और हमें मुफ्त का एक प्लांटर, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्लांटर मिला हुआ है। ये देखिए जेड प्लांट है, कितना खुश है, कितना हरा भरा और भरा हुआ गमला है। और इसके नीचे आप गेस कर सकते हैं क्या प्लांटर है। इसके नीचे है एक स्कूटर टायर, ये देखिए स्कूटर टायर। ऐसे मैंने बहुत से बना रखे हैं, कोई 10-15 हैं और इनकी उम्र भी मुझे मेरे ख्याल से 25-30 साल से कम नहीं है। और ये डैमेज नहीं होते हैं प्लांट इसके अंदर बिल्कुल, प्लांट को क्योंकि पानी की बहुत कम ज़रूरत है तो हम सिर्फ जो पानी है वो पानी डालते हैं इसमें, थोड़ा जिसको ज़रूरत होता है पकड़ लेता है, पाइप से ही डलता है इसमें पानी, कुछ चला जाता है, ज़्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है इसकी। और इसमें ये मैंने थोड़े लिली के बल्ब भी डाल दिए थे तो जब बारिश आती है तो ये रेन लिली भी बीच बीच में खिल जाती है। रेन लिली जब इसके अंदर सफ़ेद है, पिंक है, रेन लिली के बल्ब एक छोटे डिस्पोजेबल कागज़ के कप में डाल के उसकी रूट्स और मिट्टी और वो डाल के मैंने इसके अंदर छोड़ दिया था। थोड़ा वक्त आने के बाद बारिश में ये डिज़ोल्व हो गया, वो जो कप था वो डिज़ोल्व हो गया और लिली के बल्ब ने अपने आप इसमें रूट्स पकड़ ली
तो इसको बनाने के लिए मुझे कुछ खुरपी या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं अपने पर्यावरण के लिए, शुद्धि के लिए, मैंने टायरों को भी इस्तेमाल किया है। मुझे बदले में मुफ्त के प्लांटर्स, बीसियों साल चलने वाले प्लांटर्स मिल गए। कमोड है जो कि रेनोवेशन से के टाइम बाहर निकला, तो इसको भी मैंने फेंका नहीं, कबाड़ी को नहीं दिया, इसका भी इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर ये जो छोटा एरिया है, इसके अंदर मैं सीजनल प्लांट्स लगा देती हूँ। अभी थोड़ा पोर्टुलका लगे हुए थे, अब इसमें कलेंचू लगा दिया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इसमें फूल खिलेंगे। ये ओवरहेड वाटर टैंक है पुराना, लेकिन इसमें क्योंकि पानी बहुत कम आता था और हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, तो हमने इसको पुराने को प्लांटर की तरह यूज़ किया है। इसमें जो ये नींबू का पेड़ है, ये भी काफ़ी पुराना है। शुरू शुरू में तो काफ़ी नींबू लगते थे इसके ऊपर, अब शायद रूट्स को ज़्यादा फैलने में दिक्कत होती है, तो ज़्यादा इसमें फल कभी 50, 60 या 100 नींबू तक कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स नीचे डीप नहीं जा पाते और हो सकता है इसका जाल पूरा भर गया है रूट्स से। तो इसमें नींबू तो नहीं लगता है, लेकिन मेरे घर में ये हरियाली का प्रतीक, हरियाली है, रहती है इससे, तो मैं इसको ख़त्म नहीं करती हूँ। इसके अंदर मैंने एक, यहाँ से टूट गया है तो इसकी भी पेंट होता रहता है, तो इससे ये थोड़ा प्रिजर्व रहता है। ये टूटने, इसमें मैंने ये जो गमले हैं पोर्टुलका के, ये रखे हैं, एक तो इसके टूट को छुपाने के लिए, और ये भी जो मेरा पॉट देख रहे हैं आप, ये भी वॉशिंग पाउडर का डिब्बा है, जिसमें आप यहाँ से कट देख रहे हैं। इसमें नीचे मैंने होल नहीं किया है, यहाँ से कट इसलिए किया है कि थोड़ा पानी नीचे रहे, क्योंकि ये छत के प्लांटर्स हैं, तो छत पे गर्मी इतनी होती है कि अगर बिल्कुल इसको सूखा पानी एकदम ड्रेन आउट हो जाएगा तो ये इस गर्मी से ख़राब हो जाएगा। तो इसमें इतना पानी रहता है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से निकल जाए, रेनी सीजन में अपने आप पानी ड्रेन आउट हो जाता है। ये एक बास्केट है जिसमें फल आए, फल आते हैं, तो इसमें मैंने पोर्टुलका लगा दिया है। इसमें भी क्योंकि इसमें केन के अंदर होल्स बहुत होते हैं, तो नीचे प्लास्टिक की शीट है, उसमें एक छेद है और उसके ऊपर से पॉटिंग सॉइल डाल के प्लांट्स लगाए गए। तो इसके साथ ये नारियल है सूखा हुआ, मतलब हरा नारियल, इसमें से पानी पी लिया, इसमें प्लांट्स लगा दिए और इसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। जगह की कमी है, हमारे पास जमीन नहीं है कि हम कंपोस्ट उसमें बना सकें, तो हमने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया और इसके अंदर ये होल्स कराए हैं ताकि इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिव एयर जा सके और माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट हो सके। इसमें हम घर का कचरा, इसमें अंडे, प्याज के छिलके और लहसुन नहीं डालते हैं, बाकी जो भी सब्जियों के फलों के छिलके या हमारे पेड़ पौधों से निकले हुए पत्तियाँ सब इसमें डलती हैं। और मेरे घर के सामने पार्क है, उसकी एडवांटेज है कि जितने पत्ते सूखे होते हैं मैं उनको बोल देती हूँ, वो ला देते हैं और इसमें वो सूखे पत्ते भी ऐड करते रहते हैं, कि जैसे सब्जियों का लेयर लगाया, सब्जियाँ, फल, छिलके, वेट जो है वेस्ट वो डाला, उसके ऊपर सूखे पत्ते डालते हैं, फिर थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं और थोड़ा पानी का स्प्रे करके हम इसको शेक करते हैं और वीकली जो है इसको ज़मीन पर रोल करा देते हैं, जिससे कि एयर सर्कुलेशन होता है, सारी चीज़ें ठीक से मिक्स हो जाती हैं। बल्कि जैसे पतला जो कार्डबोर्ड होता है, मिठाई के डब्बे का हल्का गत्ता है, पेपर्स हैं, उसकी कटिंग्स भी फाड़ के, उसकी कटिंग करके इसके अंदर डालते हैं। वो उसका फ़ायदा ये रहता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, अगर पानी ज़्यादा डल गया है और सब्जियों का भी मॉइस्चर है, तो कार्डबोर्ड में आ जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी ठीक से होती रहती है। जब नीचे चिटकनी लगी है, एक डोर बना है जिससे कि जो हमारी तैयार हो जाती है उसको हम निकालते रहते हैं। ये आलू प्याज की टोकरी जो वेस्ट हो गई थी, किचन से फालतू थी, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। पहले मेरी हर्ब्स की बास्केट थी, नीचे मैंने अजवाइन लगाई थी, इसमें पुदीना था, इसमें पुदीना लगाया था, इसमें धनिया लगाया था। पुदीना सबसे अच्छा चल रहा था क्योंकि इसको हवा और रोशनी पूरी मिल रही थी। अजवाइन भी लगी हुई थी। तो अब इस साल मैंने इसको, ये अपनी लिली स्टोर करने, रेन लिलीज़ को स्टोर करने के लिए सब के रंगों की अलग अलग इसमें लगा दी हैं, पिंक है, वाइट है, येलो है, और ये ऐसे ही रखा रहेगा। और नेक्स्ट ईयर जब मैंने, अब मुझे पॉट्स चाहिए पौधे लगाने के लिए, नए पौधे लगाने के लिए, तो मैंने सब पॉट्स खाली कर लिए हैं, और अगले साल जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इनको मैं फिर से यूज़ करूँगी।